बात करें अपने देश भारत की, तो भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में मौत का कारण भी बन रहा है। आपको बताएं तो शरीर में किसी भी कोशिकाओं का अनियमित रूप से बढ़ने पर कैंसर की संभावना रहती है। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, आनुवांशिक कारणों से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को ही पहचान कर उसकी जांच करवाएं। और अगर शुरुआत में ही इस समस्या पर ध्यान दे दिया जाए तो आप दवाइयों के माध्यम से बहुत ही आसानी से सही हो सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें हम, एक खास कारण ये भी है कि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों की सही जानकारी ना हो पाने के चलते इसका शुरुआती दौर में पता चल ही नहीं पाता। तो अगर आपको भी ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में नहीं पता है तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए होने वाली है बेहद ही खास। आज हम आपको बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण और साथ ही आपको बताएंगे वो कौन से ऐसे उपचार है जो आपको ब्रेस्ट कैंसर में करने से आपको मिलेगा फायदा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत में पैच। ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत में ब्रेस्ट और अंडर आर्म के आसपास गांठ बनने लगती है जिसके कारण दर्द होने लगता है। ब्रेस्ट और अंडर आर्म के आसपास गांठों में दर्द के साथ साथ कभी कभी चिंचनाहट भी महसूस होती है। ब्रेस्ट कैंसर होने की स्थिति में ब्रेस्ट के आसपास की स्किन बॉडी की अन्य स्किन से अलग दिखने लगती है। ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआत होते समय ब्रेस्ट सख्त हो जाते हैं और त्वचा लाल हो जाती है। निप्पल में तो कोई बदलाव नहीं आता लेकिन उनसे लिक्विड निकलने लगता है। अब हम आपको उन चीजों के बारे में बता देते हैं जिनका सेवन आपको ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति में करना चाहिए। काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा होने के कारण किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए फायदेमंद है, इसलिए भोजन में काली मिर्च का सेवन सबसे बेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए। टमाटर। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन ए, सी और ई पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर का सेवन करना ब्रेस्ट कैंसर वालों के लिए लाभकारी होता है। लहसुन। लहसुन खाने से शरीर में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनने से रोकता है, इससे ब्रेस्ट कैंसर में फायदा होता है। इसके अलावा लहसुन में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अदरक। अदरक के सेवन करने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन दूर हो जाते हैं। अदरक के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका बहुत ही कम हो जाती है। ग्रीन टी। ग्रीन टी पीना कई प्रकार से कैंसर के लिए फायदेमंद है। रोज ग्रीन टी पीने से कैंसर कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर की आशंका होने पर ग्रीन टी का सेवन जरूर करें। अब हम अंत में आपको बता देते हैं ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए कुछ उपाय। व्यायाम और योगा को नियमित रूप से करें। धूम्रपान और नशीली पदार्थों से दूर रहें। नमक का अधिक सेवन ना करें। रेड मीट खाने से बचें। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।